हेलो बच्चों, आज आप करांगे पंजाबी व्याकरण का पाठ किरिया, जिन्हों अंग्रेजी कहते हैं वर्ब। तो चलो करते हैं स्टार्ट कि किरिया की है, किरिया की परिभाषा और किरिया किन्नी प्रकार की है, उदाहरण सहित करांगे। और बच्चों, जे तुहानू वीडियो वधिया लगती है तो उन्होंने लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करया करो। किरिया परिभाषा की है, देखो किरिया दी। बच्चों, साड़ी रोजाना जिंदगी विच साड़े आले दुआले कोई ना कोई काम चल रहा हुंदा है, जां कोई किरिया हुंदी असी वेखदे हाँ। इन्हां किरियावां लई वरते जाण वाले शब्दां नूं व्याकरण विच किरिया कहा जांदा है, जिवें खेडना, बोलना, दौड़ना, लिखना, खाना, हसना आदि। किरिया विच करता अते कर्म हुंदा है। करता की कौन हुंदा है? देखो, करता काम करन वाले नूं करता कहा जांदा है। कर्म किरिया दा प्रभाव जिस ते पैंदा है उसनूं कर्म कहिंदे हन। करता अते कर्म दे अनुसार किरिया दो प्रकार दी हुंदी है, अकर्मक किरिया, दूसरी सकर्मक किरिया। अकर्मक किरिया देखो, हुण जदों वाक विच केवल करता ही होवे, कर्म ना होवे, उसनूं अकर्मक किरिया कहिंदे हन। जिवें मोहन गा रहा है, मुंडा भजदा है, पक्खा चलदा है। इहनां वाकां विच मोहन, मुंडा, पक्खा करता हन। गा रहा है, भजदा है, चलदा है, अकर्मक किरियावां हन। दूसरा है देखो बच्चों, सकर्मक किरिया। जदों वाक विच करता ते कर्म दोनों होण, उसनूं सकर्मक किरिया कहिंदे हन। जिवें मोहन गीत गा रहा है, मुंडा फुटबॉल खेड रहा है, रजिंदर रोटी खांदा है। तो बच्चों, इन्हां वाकां विच मोहन, मुंडा, रजिंदर करता है, मुंडा, रजिंदर करता हन। गीत, फुटबॉल, रोटी कर्म हन। गा रहा है, खेडता है, खांदा है, सकर्मक किरिया हन। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा फिर तो देख लो। किरिया साड़ी रोजाना जिंदगी विच कोई ना कोई काम चलता है तो किरिया वापरती है, उसनूं आपां किरिया कहिंदे हाँ। किरिया च करता ते कर्म हुंदा है, काम करन वाले नूं करता अते किरिया दा प्रभाव जिस ते पैंदा उसनूं कर्म कहिंदे हन। किरिया दो तरह दी है, अकर्मक ते सकर्मक। अकर्मक किरिया जिस च सिर्फ करता होगा, कर्म नहीं हुंदा, जिवें मोहन गा रहा है, मुंडा भजदा है, इहदे च करता है बट कोई कर्म नहीं है। दूसरी सकर्मक किरिया, जदों वाक विच करता ते कर्म दोनों होण, उसनूं सकर्मक किरिया कहिंदे हैं। ठीक है बच्चों, मोहन गीत गा रहा है, रजिंदर रोटी खा रहा है, ये हो गईयां साडियां सकर्मक किरियावां। बच्चों, वीडियो वधिया लगी होवे तां लाइक शेयर जरूर करना, कॉमेंट भी करना। थैंक यू।